हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक नए केस के साथ। ये केस है टोनी और उसके बेटे चिंटू की। एक दिन टोनी के पास एक कॉल आया और उसने कहा वो चिंटू का अपहरण कर लिया है और अगर टोनी को चिंटू चाहिए तो चिंटू के बदले उसे 1 करोड़ रुपये किडनेपर को देना पड़ेगा। ये सुनते ही टोनी बहुत घबरा गया और जल्द ही चिंटू के स्कूल को कॉल किया, लेकिन टीचर ने जवाब दिया चिंटू तो स्कूल में ही है और टोनी के पास चिंटू का एक तस्वीर भेजा। टोनी ने अपने बेटे की तस्वीर को देखने के बाद थोड़ा आराम से बैठ गया और थोड़ी देर बाद टोनी के पास चिंटू के स्कूल से कॉल आया और टीचर ने कहा चिंटू का किसी ने अपहरण कर लिया है। टोनी बहुत घबरा गया और जल्द ही डिटेक्टिव मेहुल के पास कॉल किया और उसे सारी घटना बताई और साथ में चिंटू की तस्वीर भी भेजी। डिटेक्टिव मेहुल फौरन चिंटू के स्कूल पहुंचे और वहां जितनी भी कार थी सबकी जानकारी निकाली और उन्हें 3 कार पर संदेह हुआ। ये है पहली कार, इसे ध्यान से देखें। ये रही दूसरी कार, इसे भी ध्यान से देखें। ये रही तीसरी कार, इसे भी ध्यान से देखें। इन तीनों कारों को देखते हुए क्या आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि अपहरण के लिए किस कार का इस्तेमाल किया गया होगा? सोचिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो जवाब है दूसरी वाली कार, क्योंकि टीचर ने जो तस्वीर भेजी थी उसमें चिंटू एक बोतल से पानी पी रहा था और वही बोतल दूसरी वाली कार में दिखी है। तो बच्चों, कैसा लगा आप लोगों को हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम चलते हैं, बाय बाय।